उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात से एक दर्दनाक खबर सामने आई, जहां तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर नहर में गिरी। नमस्कार नियमित, और आप देख रहे हैं टाइम्स। आपको बता दें, लगभग 2 बजे इंजन से वीरा जा रही बस पलट जाने से बस में सवार यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। बस में लगभग 30 लोग सवार थे, जिसमें 3-4 लोगों को मामूली चोटें आई। वही बस में सवार आशिमा पत्नी शिबू अली उम्र लगभग 30 वर्ष की घटना स्थल पर ही मृत्यु हो गई। मृतक आशिमा अपनी पुत्री के साथ अपने मायके देवरा जिला और अररिया से अपने घर सराय गाड़वा जा रही थी। आइए डालते दर्दनाक खबर पर नजर, उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात की। तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर नहर में गिरी। आज दोपहर में लगभग 2 बजे झिंझक में रूरा जा रही बस पलट जाने से बस में सवार यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। बस में लगभग 30 लोग सवार थे, जिसमें 3-4 लोगों को मामूली चोटें आईं। वहीं बस में सवार आसिमा पत्नी शिबू अली उम्र लगभग 30 वर्ष की घटना स्थल पर ही मृत्यु हो गई। मृतक आसिमा अपनी पुत्री के साथ अपने मायके देवरा जिला औरैया से अपने घर सराय गड़ेवा जा रही थी। घटना की सूचना पर SDM डेरापुर ऋषि कांत राजवंशी, तहसीलदार लाल सिंह, क्षेत्राधिकारी रसूलाबाद, थाना अध्यक्ष मंगलपुर, थाना अध्यक्ष रसूलाबाद सहित कई थानों की फोर्स ने मौके पर पहुंचकर क्रेन मंगाकर यात्रियों को बाहर निकाला गया। घायल यात्रियों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र झिंझक भेजा गया। आपको बता दें, बस साईं कृपा बस सर्विस की थी। ये खबर है कानपुर देहात की। हंगामा टाइम्स ब्यूरो। भैया उधर पीछे हो बुला जी। अरे 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 पीछे हो जाओ ना। अरे रुको ना यार, वीडियो बना रहे हैं। हां आप सही हो भैया। भैया आराम से लगा पीछे हां लगाओ ये यार भैया। हम कह रहे हैं पीछे पीछे खड़े होकर बनाओ एक मिनट। हम उनके मारे कुछ बोल नहीं रहे भैया यार। हमसे कह रहे हो देख रहे हो क्या यार, इतनी भीड़ है। ये लो हट जा। तो वो छोटी गरज चली गई है, उतार चले गई छोटी गरज धीमे। हाँ जी हिमांशु, हम तुम्हारा